नमस्कार दोस्तों, हेल्थ कोच अजय चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अजय और आज हम बात करने वाले हैं सर्दी बुखार और दर्द के लिए जो मेडिसिन देते हैं उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले न्योब्लॉक न्यू टेबलेट के बारे में। न्योब्लॉक न्यू टेबलेट का यूज सर्दी के इलाज के लिए किया जाता है। जब भी किसी को सर्दी लगने लगती है और साथ में जुकाम खांसी और बुखार होने लगता है तब ऐसी कंडीशन में यह हो जाता है तब ऐसी कंडीशन में न्योब्लॉक न्यू टेबलेट और साथ में मॉक्स 500 mg का उपयोग किया जाता है। मॉक्स 500 mg कैप्सूल आते हैं, इनका यूज श्वसन मार्ग और ट्रॉन्सिल गले फेफड़े और पेशाब मार्ग के जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है और दोनों मेडिसिन के साथ में एक और टेबलेट दी जाती है वह है डेक्सोना। डेक्सोना आप जो टैबलेट देते हैं उनको डबल करके आराम दिलाता है और काफ़ी यूजफुल होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं, जब कभी भी सर्दी के मौसम में परिवर्तन होने लगते हैं या चेंजेज आते हैं तब काफ़ी आम समस्या देखने को मिलती हैं। उनमें से हैं ज़्यादा होने वाली सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी। तो यह समस्या तब होती है जब अचानक मौसम परिवर्तन हो जाता है, तेज़ धूप निकल रही है या ठंड महसूस हो रही है, तथा मौसम ठंडा पड़ रहा है या तेज़ हवा के साथ में, तब ऐसे समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसी के साथ में कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं, उन सब में से हैं यह बीमारियां। और ऐसी बीमारियां होने के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह आपको 300-400 की दवाई देते हैं और 7-8 दिन के लिए देते हैं और 200-300 उनकी फीस होती हैं, यानी कि 500-700 का खर्च आ जाता है जो कि आम आदमी के लिए काफ़ी महंगा पड़ता है और वह दिखाने नहीं जाते हैं। यह समस्या काफ़ी बढ़ने लगती हैं तो इन सबसे बचने के लिए मैं जो दवाई या मेडिसिन बता रहा हूँ यह आपके लिए काफ़ी कम दाम में मिल जाएगी और आराम भी जल्दी देखने को मिलता है। इस दवा के खुराक से ही काफ़ी आराम देखने को मिलता है। आपको इस दवा की 2-3 खुराक लेनी होगी और आप की इन बीमारियों से राहत पा सकेंगे, परंतु आपको यह दवा लेने से पहले इनके बारे में अच्छी तरह से जान लेना ज़रूरी होगा। यह 3 टेबलेट आती हैं, मॉक्स 500 mg, न्योब्लॉक न्यू और साथ में है डेक्सोना। यह शाम सुबह लेनी होती हैं। इनमें से मॉक्स 500 mg एंटीबायोटिक दवा हैं और यह कैप्सूल आते हैं। आपको यह 6-8 रुपए के बीच में पड़ता है एक कैप्सूल और न्योब्लॉक न्यू 2-5 रुपए के बीच में। और डेक्सोना को आप की समस्या के ऊपर लेना चाहिए। अगर आपको समस्या ज़्यादा है तो आप डेक्सोना ले सकते हैं क्योंकि यह आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उसकी मात्रा को डबल करके जल्दी आराम दिलाने में मदद करता है। और याद रखें कि समय पर ही इनका उपयोग करें और ज़्यादा डोज न लें क्योंकि ज़्यादा मात्रा में लेने पर यह आपको नुकसान भी दे सकती हैं। और याद रखें इनका उपयोग करने से पहले अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर वाले या डॉक्टर से ज़रूर इनके बारे में जान लें, उसके बाद ही इनका उपयोग करें। हमारा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। और अच्छा लगा हमारा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।